फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जॉब ब्लॉग में। और आज हम आए हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जालंधर में, तो जो कि फगवाड़ा में है, जालंधर फगवाड़ा रोड पे। तो अभी सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, जो बिल्डिंग है वो है यूनी मॉल और ब्लॉक नंबर 15, जिसमें होटल मैनेजमेंट ब्लॉक BC को बोलते हैं। तो चलो, इसमें आप जैसे कि यूनी मॉल भी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही मॉल है, तो इसमें भी बच्चे आगे एक्सप्लोर करते हैं। और आप देख सकते हो सामने काफ़ी बच्चे, कुछ बच्चे आने शुरू हो गए हैं यूनिवर्सिटी में, तो कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं। और हमारे सामने ये जो बिल्डिंग आने वाली है आगे, वो है मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि MBA के लिए है। MBA के स्टूडेंट्स इसी बिल्डिंग में जो कि स्टडी करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। तो ये बिल्डिंग आपने देखी, तो उस साइड आप देख सकते हो जो कि अंडरवे पाथ है बना हुआ आगे जाने के लिए। ये सामने आप देख सकते हो, जहाँ से जैसे कि ये रोड से गाड़ियाँ जाती हैं, और उस साइड से बच्चे या फिर कोई भी पैदल जो जाते हैं, वो उनके लिए अलग से रास्ता बना है। और सामने उस साइड आप देख सकते हो जो कि यूनिपॉलिस है, जहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल प्रॉपर यहाँ पे होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। और अभी हमारे सामने मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस आता हुआ, जहाँ पे MBA के स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया ही, MBA की स्टडी होती है। और आपको ये भी बता दूँ कि इसमें मैनेजमेंट की NIRF रैंकिंग भी 37th रही है इस साल, जो कि 2021 में MBA मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस की, बिल्डिंग नंबर 14 मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस। तो जैसे मैंने बताया है, मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस MBA के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, 2 ईयर्स प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें MBA आप कर सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। और अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें रोड दिख रहा है, और सामने मुझे कुछ दिख रहा है, सामने वो ब्लॉक साइड 29 कोई। तो चलो आगे चल के देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी मुझे दिख रहा है 29, 30, इस तरह से ब्लॉक 31 लिखा हुआ है, तो जो कि एडमिशन्स लिखा नज़र आ रहा है मुझे सामने, तो मे बी ये एडमिशन्स ब्लॉक ही होगा, तभी एडमिशन्स लिखा हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पे बच्चे एडमिशन के लिए आ सकते हैं, एडमिशन लेने। और ये सेम ब्लॉक है मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस ही, जैसे मैंने आपको बताया। चलो आगे देखते हैं, थिंक बिग लिखा हुआ है। और ये मुझे नीरज की वो दिख रही है, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, जो कि इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये नीरज चोपड़ा मार्ग लिखा हुआ है, जो कि गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जिन्होंने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में लिया था, तो उनके नाम पे मार्ग में भी जो कि बना है, और उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था। तो जो कि गोल्ड मेडल इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट आपको पता ही होगा, रह चुके हैं नीरज चोपड़ा। तो ये मार्ग, मतलब ये पूरा चौक जो से बोल सकते हैं राउंड अबाउट, ये नीरज चोपड़ा मार्ग है। और सामने 31 ब्लॉक और 30 ब्लॉक एडमिशन्स में है, तो आप एडमिशन्स के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो एडमिशन्स, तो अभी हम एडमिशन्स के लिए अगला ब्लॉग बनाएंगे कि किस तरह से क्या क्या एडमिशन्स में है, कौन कौन से कोर्सेज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से है। तो आप जुड़े रहिए जो ब्लॉग के साथ LPU के और ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, LPU ब्लॉग फॉर एडमिशन्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग जॉब ब्लॉग।